उसका इस इदारे के साथ कतन कोई तलक नहीं। वो ग्रोह सिर्फ एक गुंडों का ग्रोह है और उसका काम उजरती कातल लोगों का एक ग्रोह है, और वो ऐसे काम सर अंजाम देने आए हैं कि यहाँ पे इससे पहले कुछ बरूनी जो हाथ हैं, जो पॉलिटिकल हाथ हैं, उन्होंने पहले तारक से पे तो इन्हें रसालत का एक केस बनवाया था, और मुफ्तलिफ दहशत गर्दी के इस ऑफिस में से जो है ना FIR दर्ज हुई हैं, और अभी एक पूरे गुजरात में एक थ्रेट मौजूद है, इसको बड़ा ज़बरदस्त खतरा है, और करने वाले इदारों ने इस मामले को सीरियस ना लिया तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होने का खतरा मौजूद है और हो सकता है। मेरी तमाम इंतज़ामिया से, पुलिस वालों से और हायर अथॉरिटी से, और स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से अपील है कि वो बराए मेहरबानी इस मामले को बगौर देखें, वरना ये और यही गुजारिश है इंतजामिया से। रात को ये सारा बिल्कुल वाजे कह रहा हूँ कि बंद कर देंगे, लेकिन अगर मुजरिम ना पकड़ेंगे तो DPO ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा, और ईद के दिन भी DPO ऑफिस के सामने धरना होगा। कोई गाल नहीं, चल एक मिनट। बेसिकली
दूसरा ला है वे कि जो यूनियन के ऑफिस बेरर हो गए ना वो 25% जोड़े ने आउटसाइडर हो गए बाकी TMA के मुलाजम हो लेकिन जो कुछ इन्होंने सू रजिस्टर साढ़े को आ रहे थे तो 75% आउटसाइडर आ जाते हैं साढ़े TMA के नाल उन्होंने तलग ही नहीं होता जिस वजह तो प्रॉब्लम बन रही है उन्होंने अपने बेस्ट इंटरस्ट होंगे जी उन्हें नहीं वो किया बल्कि अभी तुम दिखा देने रिकॉर्ड जी बैठ दें मनवा दें शेर साहब नोट एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने मीटिंग कन्वेन की इन्हें सारी यूनियन की लेबर रजिस्ट्रार ने उसे बुलाया उन्होंने दसिया कि इन यूनियन के उन्होंने कहो कि जो रात में लैटर जारी किए ने ना उन्होंने कापियां लो शाह इरफान को ग्रेवियंसिस जोड़े ने एड्रेस किए जा ठीक है उन्होंने कहा कि जनाब सारे हर यूनियन कहती थी कि जरा रजिस्ट्रार है इंपार्शल है और जी उस नाल अटैच है बेसिकली साडा इसी कि असी कन्वे किया कि खिलाफ जरा रूल के तहत जिदा भी बनता है वो एक्शन लवो दूसरे नंबर दे कि सानू रेफरेंडम कराओ कि जी एक पार्टी कोई इकतदार आती है बेसिकली है कि इन्हें छह पार्टियों का इलेक्शन होएगा रेफरेंडम उस तो बाद जी पार्टी जीत जाएगी जी भी यूनियन यूनियन है ना वो CBI डिकलेयर होएगी रूल के तहत CBA नू राइट है कि एडमिनिस्ट्रेशन के नाल बैठ के डिस्कशन करन दा कोआर्डिनेट करन दा उन्हां नाल और किसी यूनियन नहीं है नहीं कर सकता वो दो साल बाद वैलिड रहती है उस वास्ते असी इन्हां नू ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर बैठे हैं वो इन प्रोसेस है फिर उन्होंने इन्हों की मीटिंग कमिश्नर साहब ने भी मीटिंग कन्वीन की है 6 तरीक में 7 तरीक में इतने भी हूँ 16 तरीक में इन्होंने मीटिंग रखी ठीक है वो रेफरेंडम का प्रोसेस टाइम से लगना है रिक्वेस्ट की है कि जो तक रेफरेंडम का सिलसिला है फिलहाल जरा इन्हें तमाम यूनियनस में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर करने वास्ते ठीक है इन्होंने सारे कहा जाए कि फिलहाल मुदाखलत TMA च इन्हों की बंद कर देखो एक मेरा इख्तियार ही नहीं मैं तो वही कर सकता हूँ जो मेरे इख्तियार में होगा ठीक है अगर नहीं नहीं जी जी हमने किया जी नहीं 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 मैं मैम आपको लेटर बना कर दिखा देती हैं हमने DC साहब को भी एड्रेस किया।